हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया त्रिपाठी और ये है मेरा पहला यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप सबको हमारे शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध संगीत विद्वान के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी स्रोत हैं। मैं आज आप सबको हमारे संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी के जीवन के बारे में कुछ आवश्यक बातें बताने जा रही हूँ। पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त सन 1872 को महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ नामक रियासत में हुआ। इनके पिता का नाम श्री दिगंबर बुआ था, जो कि पंथ कीर्तनकार थे। पंडित विष्णु दिगंबर को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। बचपन से ही अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा भी पाते थे। इसी दौरान एक बार दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाते हुए धोखे से पटाखों की बारूद इनकी आंखों में जल पड़ी और इनके नेत्रों की ज्योति चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी अंग्रेजी शिक्षा भी बंद हो गई। इससे इनकी रुचि गाने की तरफ और अधिक हो गई। कुरुंदवाड़ के राजा ने पलुस्कर जी के संगीत के प्रति रुचि देखकर इन्हें रियासत नीरज के दरबारी गायक पंडित बाल कृष्ण बुआ के पास गायन कला सीखने के लिए भेज दिया। पंडित जी ने गायन विद्या में अथक परिश्रम किया और अभ्यास करते हुए धीरे धीरे गायन में अति निपुण हो गए। सन 1896 में पंडित जी अपने गुरु की आज्ञा पाकर उनसे विदा लेकर संगीत संबंधी यात्रा के लिए निकल पड़े। सतारा में इनकी पहली संगीत सभा हुई, जिसमें इन्हें 2 रुपए और भोजन मिला, जिससे इन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस विद्या को सीखने के लिए उन्होंने वर्षों का अथक परिश्रम किया, उसका फल सिर्फ 2 रुपए। इसके अलावा गायकों को भले घरों में अच्छी दृष्टि से ना देखा जाता था, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि गायन का सम्मान और गायकों का आदर बढ़ाना ही उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य होगा। और इसलिए उन्होंने गीतों में श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को हटाकर भक्ति रस को स्थान दिया, जिसके फलस्वरूप उनके भक्तिमय गीतों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे समाज में प्रचलित होने लगे। सतारा से चलकर पंडित जी ने बड़ौदा, इंदौर, जयपुर इत्यादि स्थानों की यात्रा की। सन 1857 में वे कश्मीर पहुंचे और वहां रियासत में दरबारी गायक हो गए। वहां उन्हें 200 रुपए महीने मिलते थे। कश्मीर में कुछ साल रहने के बाद इन्होंने दरबारी नौकरी छोड़ दी और लाहौर पहुंचे। लाहौर में अक्टूबर सन 1908 में पंडित जी ने गांधर्व महाविद्यालय नामक संगीत संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपनी संपूर्ण आय इस संस्था को समर्पित कर दी। विद्यालय के लिए किराए पर एक मकान लिया, कुछ सामान और वाद्य यंत्र भी इकट्ठे किए, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्यालय आरंभ में ही सुचारू रूप से नहीं चल सका। लेकिन बाद में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई। इस विद्यालय के द्वारा पंजाब में संगीत का खूब प्रचार हुआ। विद्यालय की सहायता समारोह करके वे धन एकत्रित किया करते थे। संगीत शिक्षा की सुगमता के लिए इन्होंने अपनी नई स्वरलिपि भी निकाली और संगीत संबंधी कई पुस्तकें इसी नई स्वरलिपि के अनुसार लिखी। इनकी स्वरलिपि पद्धति भातखंडे स्वर लिपि पद्धति से भिन्न है। इनकी पुस्तक राग प्रवेश 19 भागों में है, जिसमें ख्याल गायकी के बहुत से गीत दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, संगीत शिक्षा, राष्ट्र संगीत, व्यायाम के साथ संगीत, महिला संगीत इत्यादि कई पुस्तकें लिखी। जन साधारण में संगीत ज्ञान की वृद्धि के लिए संगीतामृत प्रवाह मासिक पत्र भी निकाला था। टप्पा गायन, भक्त प्रेम लहरी भी इनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। संगीत का और अधिक प्रचार करने के लिए पंडित जी ने संगीत परिषदों और संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया। भक्त सूरदास, कबीरदास, मीराबाई आदि संत कवियों की रचनाओं को रागधारी संगीत में बांधकर अपने शिष्यों को सिखाई।
इन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा बम्बई में खोली। वहाँ पर गरीब विद्यार्थियों का पालन पोषण व शिक्षा का प्रबंध वे स्वयं करते थे। इस प्रकार पंडित जी ने संगीत विद्या के प्रचार के लिए जो कुछ किया वह आज सराहनीय है। उनका सबसे अधिक प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम था और इस भजन के साथ वह मगन होकर झूमने और नाचने लगते थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशनों पर वह विशेष रूप से आमंत्रित होने पर वंदे मातरम और अन्य राष्ट्रगान गाते थे। अपने शिष्ट और सात्विक संगीत के प्रचार के लिए अनेक कुशल कलाकार शिष्य भी तैयार किए, जिनमें संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित वामन राव पाध्याय, नारायण राव व्यास, प्रोफेसर देवधर इत्यादि के नाम उल्लेखनीय है। इनके द्वारा स्थापित गांधर्व महाविद्यालय मंडल अब विकसित होकर एक महान संगीत संस्था के रूप में संगीत की सेवा कर रहा है। इसकी सैकड़ों शाखाएं भारत में फैली हुई हैं, जिसके द्वारा हजारों विद्यार्थी संगीत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 21 अगस्त सन 1931 में महाराष्ट्र के मिरज में हुई। उनके सुपुत्र श्री डी वी पलुस्कर, जो एक अच्छे गायक माने जाते थे, 35 वर्ष की अल्प आयु में परलोकवासी हो गए थे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।